तो बेटा मैं आपको ये डिफेक्ट समझा रही थी कि इसमें कोई भी कैटायन है वो अपनी जगह को छोड़ के बाहर चला जाता है और उसके चार्ज को बैलेंस करने के लिए जो नेबरिंग कैटायन है उस पर चार्ज पहले से डबल हो जाता है। ठीक है, तब खुद लिख लें, इन दिस डिफेक्ट पॉजिटिव आयन मिसिंग फ्रॉम इट्स साइड, पॉजिटिव आयन मिसिंग From its site and the neighboring cation occupying extra positive charge and the neighboring cation occupying it. extra positive charge to maintain charge neutrality खुद लिख लो। पॉजिटिव आयन है वो अपनी साइड से मिस हो जाता है लेकिन जो उसका नेबरिंग कोई और कैटायन है वो अपने चार्ज को डबल कर लेता है, एक्स्ट्रा चार्ज ले आता है खुद पे ताकि जो ओवरऑल चार्ज है वो पूरे क्रिस्टल का क्या रहे, बराबर रहे। ठीक है, कर लिया बेटा ये आपने, लिख लो ये। अब ये डिफेक्ट कौन से एलिमेंट शो करते हैं जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, कंपाउंड्स। एग्जांपल क्या है इस डिफेक्ट के, कंपाउंड्स विच शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, कंपाउंड्स विच शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे बेटा आयरन है दो स्टेट शो करता है, Fe+2 और Fe+3। तो मान लो सारे क्रिस्टल Fe+2 के आयन थे, एक Fe+2 बाहर चला जाए, नेबरिंग पे Fe+3 बन जाए, तो जो आपके कंपाउंड है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं वो इसमें आते हैं। और इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है बेटा आयरन पाइराइट Fe+2, उसे हम फूल्स गोल्ड बोलते हैं। लिख लो आप Fe+2, आयरन पाइराइट, इसका कॉमन नेम होता है फूल्स गोल्ड। मतलब ये गोल्ड नहीं है बट जो इसमें शाइन है, जो इसमें चमक है, जो इसका कलर है ना वो बिल्कुल सेम गोल्ड जैसा होता है, इसीलिए हम आयरन पाइराइट को क्या बोल देते हैं, फूल्स गोल्ड बोल देते हैं। ठीक है, तो भाई इस टॉपिक को पूरा करो। उसके बाद मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट की सेकंड टाइप आपको पता है क्या है, एक्स्ट्रा एनायन ऑक्यूपाइंग इंटरस्टीशियल साइट, एक्स्ट्रा एनायन ऑक्यूपाइंग इंटरस्टीशियल साइट। तो आप कहेंगे ये डिफेक्ट तो होता ही रेयर है, वजह क्योंकि जो एनायन होते हैं, बिकॉज एनायन हैव लार्ज साइज, क्योंकि एनायन का साइज कैसा होता है, लार्ज होता है, सो दे कैन नॉट इजिली फिट इनटू इंटरस्टीशियल साइट, सो दे कैन नॉट इजिली फिट इनटू इंटरस्टीशियल साइट। ये आप लिख ले बेटा, एक्स्ट्रा एनायन ऑक्यूपाइंग इंटरस्टीशियल साइट, ये डिफेक्ट तो होता ही रेयर है, वजह आपको समझा दी, क्योंकि एनायन काफी बड़े साइज के होते हैं तो ये इजिली फिट नहीं हो पाता इंटरस्टीशियल स्पेस में। ठीक है, तो ये आपका सारा पूरा हुआ मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट। अब इसके बाद एक छोटा सा डिफेक्ट आपका और बच गया, इम्प्योरिटी डिफेक्ट, उसी और कर लेते हैं। ये टॉपिक आपका पूरा, आवाज नहीं बेटा, तो अब आप हेडिंग डालें इम्प्योरिटी डिफेक्ट, ये डिफेक्ट अलग है इनसे, इम्प्योरिटी डिफेक्ट।
जो इम्प्योरिटी डिफेक्ट है ये आयनिक क्रिस्टल्स में आता है। क्यों आता है? ड्यू टू डोपिंग। बेटा डोपिंग हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, बट वो टॉपिक अब हट गया इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज का। फिजिक्स में पढ़ोगे डोपिंग, एक सॉल्ट में दूसरे सॉल्ट की इंप्योरिटी डालना, उसी को हम क्या बोलते हैं? डोपिंग बोलते हैं। मतलब समझो, मेरे पास मान लो बेटा NaCl का क्रिस्टल था। किसका क्रिस्टल था बेटा? NaCl का। और मैंने उसमें डोपिंग करवा दी। NaCl है डोप्ड विद SrCl2। क्रिस्टल था NaCl का और मैंने उसमें किसकी डोपिंग कर दी? SrCl2 की। दोनों में एनायन तो सेम ही है, लेकिन इसमें कैटायन है एक Na+, इसमें कैटायन है Sr2+। मैंने इसकी जगह पर ये कैटायन लगा दिया, तो दो Na+ जब रिप्लेस होंगे तो बदले में एक Sr2+ लगेगा। एक Sr2+ लगाने के लिए मुझे दो क्या हटाने पड़ेंगे? Na+। आप मतलब समझे क्यों? चार्ज को बैलेंस करने के लिए। आप लोग खुद देखिए बेटा, ऊपर की लाइन आपने लिखी होगी, आयनिक क्रिस्टल्स में होता है ड्यू टू डोपिंग। अब डोपिंग से कैसे होगा आप लोग खुद समझें। ठीक है, करते जाए ऐसे। NaCl की डोपिंग हमने कर दी है SrCl2 से, ठीक है। मान लीजिए ये पहले आपका परफेक्ट NaCl का स्ट्रक्चर था, हर जगह पे बराबर थे Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव Na पॉजिटिव Na पॉजिटिव, ठीक है। ऐसे करते चलो बेटा, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। इस तरह का ये परफेक्ट NaCl का स्ट्रक्चर था। अब मैंने NaCl की डोपिंग किससे कर दी? SrCl2 से। मतलब एक Na+ हटेगा और बदले में वहां क्या आएगा? Sr2+। तो मैंने यहां से Na+ हटा दिया और मैंने बदले में यहां जोड़ दिया Sr2+। अब आप देखो क्रिस्टल में एक क्या बढ़ गया? पॉजिटिव चार्ज। अब चार्ज को बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? एक Na+ को और खाली करवाना पड़ेगा। देखो अब आपका चार्ज बराबर हो गया, मतलब समझे, एक SR को लाने के लिए दो सोडियम को रिप्लेस करना पड़ेगा। तो यहां पर ये खाली जगह आ गई किसकी? कैटायन की। यहाँ कैटायन वैकेंसी अराइज होगी, वजह आप समझे, यहाँ पे कैटायन वैकेंसी क्यों अराइज हुई? क्योंकि डोपिंग करने से NaCl में डोपिंग करती SrCl2 की, तो जब आपके दो सोडियम एटम हटेंगे तब बदले में एक क्या जुड़ेगा? Sr2+, तब जाके दोनों का चार्ज बराबर होगा। तो आपको बात समझ में आई, दो Na+ को हटाना पड़ा तब बदले में एक क्या जुड़ पाया? Sr2+, चार्ज को बैलेंस रखने के लिए। तो एक जगह यहाँ कैटायन की खाली हो जाती है, मतलब यहाँ कैटायन वैकेंसी अराइज हो जाती है, ठीक है। हाँ भी हो गया ये इम्प्योरिटी डिफेक्ट, बोलो बेटा। Yes, ठीक है। अब यहाँ बड़े ही सिंपल दो न्यूमेरिकल है, बोर करवा देती हूँ फिर ये टॉपिक आपका पूरा। लिखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। इफ NaCl इज डोप्ड विद 10^-3 mol% SrCl2, what is the concentration of cation vacancy? बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है बेटा। NaCl का क्रिस्टल है और उसकी डोपिंग हमने कर दी 10^-3 mol% SrCl2 के साथ, तो आपको कंसेंट्रेशन बतानी है कैटायन वैकेंसी की। तो आप क्या कहेंगे बेटा? सबसे पहले आप देखो, 10^-3 mol%
आप इसे मोल में कन्वर्ट करो तो ये क्या हो जाएगा, 10 की पावर माइनस 3 डिवाइड बाय 100, तो अब ये क्या आ गया, 10 की पावर माइनस 5 मोल, 10 की पावर माइनस 5 मोल। भाई ये 10 की पावर 2 हो गया, ऊपर जाके माइनस का 2, तो सबसे पहले आपने मोल परसेंट है उसे किस में कन्वर्ट कर लिया बताओ, आपने उसे कन्वर्ट कर लिया मोल में। अब आपको क्या निकालने हैं, नंबर ऑफ कंसंट्रेशन निकालनी है ना, एस आर टू पॉजिटिव आयन आपको निकालने हैं किसमें, 10 की पावर माइनस 5 मोल में। तो एक मोल में कितने आयन होते हैं, 6.022, 10 की पावर 23, और तुम्हारे पास कितने मोल्स है, 10 की पावर माइनस 5, तो बताओ क्या बच गया, प्लस का 23 और माइनस का 5, आंसर आ गया 6.022 इंटू 10 की पावर 18 इंटू 10 की पावर 18। ये आपके नंबर ऑफ स्ट्रॉन्शियम आयन आगे 10 की पावर माइनस 5 मोल में। एक मोल में कितने आयन होते हैं, सबको पता है एवोगाड्रो नंबर, एक मोल में आयन है 6.022 10 की पावर 23, तो 10 की पावर माइनस 5 मोल में कितने आयन होंगे, 6.022 इंटू 10 की पावर 18। ये क्वेश्चन हुआ, नंबर ऑफ आयन निकल गए मतलब कंसेंट्रेशन ही तो निकल गई, किसकी पूछी थी कंसेंट्रेशन, कैटायन वैकेंसी की, तो निकाल दी इसकी कंसेंट्रेशन। तो बेटा एक तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है वन मार्क के हिसाब से, एक और है बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है वो और करवा देती हूँ मैं आपको, ये हो गया तो बताओ, बोलो बेटा। यस मैम। यस मैम। तो अब इसके बाद एक लास्ट न्यूमेरिकल है, फिर ये चैप्टर आपका पूरा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, देखिए न्यूमेरिकल है आपका, एनालिसिस शो दैट निकल ऑक्साइड हैज फॉर्मूला, निकल ऑक्साइड हैज फॉर्मूला Ni 0.98 और O है 1। इसका मीनिंग है ये कंपाउंड नॉन स्टिकोमेट्रिक है, ये कंपाउंड कैसा है बेटा, नॉन स्टिकोमेट्रिक है, यहाँ जो रेशियो है कैटायन एनायन का वो एग्जैक्टली इक्वल नहीं है एज इन देयर केमिकल फॉर्मूला। ये है कंपाउंड का फॉर्मूला Ni 0.98 और O का है 1। तो क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ निकल एग्जिस्ट एट Ni2+ एंड Ni3+। मतलब समझो बेटा NiO, निकल यहाँ पे 0.98 है, O यहाँ पे 1 है, इसका मीनिंग यहाँ पर जो निकल आपका है वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, निकल यहाँ पे दो स्टेट शो कर रहा है, +2B और +3B। तो आपको ये बताना है निकल कितना परसेंट तो +2 स्टेट शो कर रहे हैं और कितना +3 शो कर रहे हैं। तो आप देखिए कैसे करेंगे, हमने मान लिया लेट जो निकल है +2 स्टेट में, इसका चार्ज हमने मान लिया एक्स, ठीक है। तो जब आपका निकल होगा +3 स्टेट में तो उसका चार्ज क्या होगा, या कंपोजिशन क्या है निकल की, 0.98, तो ये हो गया 0.98 माइनस एक्स, इतना आप कर लोगे। अब आप देखिए जब निकल का चार्ज आपने +2 माना, +2 था तो आप उसको x मान रहे हो, और जब निकल का चार्ज +3 है तो आप उसको क्या मान रहे हो, 0.98 माइनस एक्स मान रहे हो, ठीक है। ये दोनों चार्ज तो हो गए निकल के, अब O का पूरा 1 है मतलब ऑक्सीजन यहाँ पे एक ही चार्ज शो कर रहा है, तो ऑक्सीजन का चार्ज तो कॉमन क्या होता है, -2, और कोई भी कंपाउंड है आयनिक उसका ओवरऑल चार्ज क्या होना चाहिए, 0। एक बार फिर आप समझो Ni 0.98 का मतलब ये है कि निकल यहाँ पे दो ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, +2B और +3B। O का पूरा 1 है मतलब O तो एक ही चार्ज शो कर रहा है, और O का कॉमन चार्ज क्या होता है, -2, तो O का तो -2 ही रहेगा, बट निकल यहाँ दो चार्ज शो कर रहा है +2 और +3, तो +2 में निकल को हमने x मान लिया, +3 में क्या मान लिया, 0.98 माइनस एक्स, O का हो गया -2 और ओवरऑल चार्ज। सोना मैम एक्सक्यूज मी, 2 मिनट में आपकी क्लास में इंटरफेयर करना चाहती हूँ, आप प्लीज एक बार अपनी रिकॉर्डिंग को पॉज कर लीजिए। प्रणाम।
तो बेटा देखिए इस न्यूमेरिकल को हम पूरा कर लेते हैं। मेरा नेक्स्ट शाबाश, फटाफट कैलकुलेशन करो। माइनस में थ्री इंटू सॉरी प्लस का थ्री इंटू 0.98 कितना आ गया, ये 2.94 और ये माइनस का 2 इक्वल टू क्या हो गया 0। तो ये क्या बच गया बेटा, माइनस का x प्लस का 0.94 इक्वल टू 0। तो माइनस x इक्वल टू माइनस 0.94, तो x कितना आ गया आपका 0.94 आ गया, ठीक है। x आ गया 0.94। अब x किसकी वैल्यू थी, निकल प्लस 2 की, तो अब आप परसेंटेज निकाल दो Ni प्लस 2 की। तो हमारी x की वैल्यू क्या आई 0.94, टोटल इसने क्या दिया था 0.98 इंटू में कर दिया 100, 0.94 डिवाइड बाय 0.98 इंटू 100 परसेंटेज हमारे यहां से निकल जाएगी। इसको आप लोग सोल्व कर लेना बेटा, तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये 96% के आसपास आएगा। तो निकल प्लस 2 की परसेंटेज क्या आ गई 96 और निकल प्लस 3 की परसेंटेज क्या आई 4%। तो ये आपकी परसेंटेज होगी Ni2 प्लस आयन की और Ni3 प्लस आयन की। ऐसा बेटा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये एग्जाम में आता है।